तू मेरे को 12 लाख रुपए दे, नहीं तो तेरे को मारने के लिए 26 लाख रुपए की सुपारी मुझे मिली है। ऐसे नहीं देगा तो तेरे परिवार को खत्म कर देंगे और तेरी बेटी का अपहरण। ये अभी 2 महीने से इसी कंपनी में काम करता था। गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में कार्यरत कर्मचारी ने वेब सीरीज देखकर कंपनी की ही महिला कर्मचारी का फोन चोरी करके कंपनी के एचआर हेड व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर 12 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। गिरफ्तार किए गए आरोपी ने एचआर हेड को धमकी देते हुए कहा कि मेरा एक बड़ा हक गिरोह है जिसमें करीब 400 अपराधी है और 100 अपराधी हमेशा मेरे साथ चलते हैं। तुझे और तेरे परिवार को खत्म करने के लिए मुझे 26 लाख रुपए की सुपारी दी गई। अगर तूने मुझे 12 लाख रुपए नहीं दिए तो तुझे व तेरे परिवार को जान से मार दूंगा। ये एक ऐसे शख्स को हमारी क्राइम टीम सेक्टर 17 ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इसने एक कंपनी के एचआर हेड को फोन करके ये धमकी दी कि या तो तू मेरे को 12 लाख रुपए दे, नहीं तो तेरे को मारने के लिए 26 लाख रुपए की सुपारी मुझे मिली है। ऐसे नहीं देगा तो तेरे परिवार को खत्म कर देंगे और तेरी बेटी का अपहरण कर लेंगे। इस तरह की शिकायत मिलने पे हमने केस रजिस्टर करके सेक्टर 17-18 पुलिस स्टेशन में और उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम टीम सेक्टर 17 द्वारा की जा रही थी। और दौरान इन्वेस्टिगेशन उसमें जो पंकज नाम का आरोपी था उसको हमने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। ये व्यक्ति उसी कंपनी में काम करता था और इसने बताया पूछताछ में कि इसने उसी कंपनी की एक महिला कर्मचारी का पहले फोन चोरी किया और अपने एचआर हेड का नंबर कहीं से लेके और नई सिम लेके उससे फोन करके इसने इस तरह की धमकी दी और कहा कि मेरे पास 400 लोगों की टीम है और 100 आदमी मेरे साथ चलते हैं और या तो तू पैसे देगा, नहीं तो तेरे को मारने के लिए धमकी के लिए मेरे को 26 लाख की सुपारी मिली है। पुलिस प्रवक्ता की माने तो 4 दिसंबर को शिकायतकर्ता के नंबर पर एक फोन कॉल आई और आरोपी ने अपना नाम इमरान बताते हुए कहा कि मुझे तुझे मारने के लिए 26 लाख रुपए की सुपारी मिली और फोन काट दिया और उसके बाद मैसेज भेजकर व कॉल करके जान से मारने की आवाज में 12 लाख रुपए की मांग की गई व रुपए न देने पर पीड़ित की बेटी का अपहरण करने व परिवार को खत्म करने की धमकी दी गई। जिस शिकायत पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके आरोपी की तलाश की गई है जिसे सेक्टर 17 की क्राइम टीम ने गुरुग्राम के कासन गांव से गिरफ्तार किया है। जब हमने इसको गिरफ्तार करके इससे इसके बारे में पूछताछ की कि इसने ऐसा क्यों किया तो इसने बतलाया कि इसकी मदर कैंसर की बीमारी से पीड़ित थी और उसके इलाज पे लगभग 7-8 लाख रुपए इनके परिवार ने खर्च किए हैं और ये उसको उतारने में सक्षम नहीं था। तो इसने सोचा, वेब सीरीज देखता था ये और वहां से इसके दिमाग में ये आइडिया आया कि मैं इस तरह से धमकी देके और ये पैसे लेके और वो कर्जा उतार सकता हूँ। इस तरह की चीजें इसने बताई हैं। आज हमने इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और 1 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है। आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है और इन्वेस्टिगेशन में जैसी जैसी चीजें वेरीफाई होंगी उसके अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और ये अकेला ही व्यक्ति था जिसने ये सारी रचना रची। नया लड़का है, अभी उसी कंपनी में काम करता है, 18 साल इसकी उम्र है। तो इसने इस तरह की अपने दिमाग से ही ये कार्रवाई की। इस तरह की कोई प्रीवियस हिस्ट्री इसकी नहीं है। जैसा मैंने बताया, 18 साल का लड़का है ये और ये अभी 2 महीने से इसी कंपनी में काम करता था और वहां से ही इसके दिमाग में इस तरह की चीजें। गुरुग्राम क्राइम टीम सेक्टर 17 ने अपने गुप्त सूत्रों की मदद से आरोपी को गुरुग्राम के कासन गांव से गिरफ्तार करके जब उससे पूछताछ की तो आरोपी की पहचान इमरान नहीं बल्कि पंकज उम्र 18 साल के रूप में हुई। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में खुलासा करते हुए बताया कि मेरी मां कैंसर से पीड़ित है जिसके इलाज में काफी पैसा खर्च हुआ और परिवार पर करीब 7 लाख रुपए का कर्ज है। उस कर्ज को उतारने के लिए मैंने वेब सीरीज देखकर रंगदारी मांगने का प्लान तैयार किया जिसे अदालत में पेश करके 1 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है ताकि रिमांड के दौरान उस मोबाइल फोन व सिम कार्ड को बरामद किया जा सके जिससे रंगदारी मांगी गई। लेकिन देखना इस बात का होगा कि क्या आरोपी रिमांड के दौरान कोई और खुलासा भी करता है या फिर अपराध की दुनिया में कदम रखने की यह शुरुआत थी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।